सब आशा करते हैं कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग के 4:30 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी 10-15 मिनट बाकी है, इसके बाद से हम उठ भी चुके हैं क्योंकि देख सकते हैं उठते ही पहले किचन का दरवाज़ा खोल दिए हैं और चलते हैं फेस धुलाई करने, और फेस धुलाई के बाद से शुरू हो जाएंगे सारे काम मॉर्निंग के। तो क्योंकि फ्रेश धुलने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगता है, क्योंकि अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं गले में पिन है, क्योंकि पिन लिए रहते हैं, कभी काम लग जाता है, अचानक से गांव जाना होता है या कहीं, जैसे गांव का घर भी पास में ही है, अगर आप पुराने होंगे फ्रेंड्स मेरे तो आपको पता होगा, तो बस वही अचानक से जाना होता है तो लगा लेते हैं। और यहाँ आ गए हैं, सबसे पहले पानी चालू कर दिए हैं और भर लेते हैं खाना बनाने के लिए इसमें पानी, क्योंकि लाइट कट जाएगा 5 बजे, इसलिए 5 बजे के पहले ही उठ गए हैं आज। आज शाम को पानी नहीं भर पाए थे, तो आपको पता है शाम को कभी कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी लाइट कट जाता है, तो बस वही। और यहाँ पीने के लिए भी इस डब्बे में पानी भर दे रहे हैं, तो एक डब्बा, क्योंकि आएगा लाइट 5 बजे कटता है तो 7:30 बजे आता है, तो फिर से चाय वगैरह बनाना होता है या पीना होता है, तो पीने के लिए उसमें एक डब्बे में ही भर ले रहे हैं 5 लीटर वाले में। और यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन मेरा रह गया था जो कि लाइट कट गया, क्योंकि सारा बर्तन हमने धुल लिया था, पर इतना बर्तन मेरा रुक गया था और तभी लाइट कट गया, तो उसको भी धुल लेते हैं। ये बास्केट है जिसमें प्याज रखते हैं, तो इसको भी धुल लिए हैं। ये सब धुलाई करने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग से ही काम का शुरुआत हो जाता है हम लोगों का, और काम समेटते जाते हैं, काम फिर वही काम फैलता जाता है, तो यही है हमारी लाइफ, क्योंकि हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो यही है। तो अगर चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाइए फ्रेंड्स, और मुझे भी आगे तक लेके चलिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ अपने घर को परिवार को संभालते हुए यूट्यूब में अपना जो भी है कुछ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो इसलिए आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए और आगे तक लेके चलिए। और एक हाउसवाइफ अपने फैमिली परिवार को छोड़ के कहीं बाहर कुछ कर भी नहीं सकती है, तो बस इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देके और शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे सब कुछ काम मेरा फिनिश हो चुका है, झाड़ू भी और पानी वगैरह भरना था वो भी भर लिया है, और अब इसके बाद से सब कुछ करने के बाद आ गए हैं। सनी के पापा के लिए पानी रखे हैं, गर्म पानी उनको एक गिलास देते हैं, तो उनको देने के बाद बस यहाँ चढ़ाएंगे चाय, तो चाय बन जाएगा इसके बाद से ही। फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा और मुझे एनर्जी मिलता है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, और झाड़ू का काम करने से पहले जो काम रुका होता है उसको भी कर लेते हैं। तो आज बर्तन पहले ही धुल लिए थे झाड़ू के पहले पहले, क्योंकि लाइट कट जाता तो फिर मेरा 7 बजे तक वही रुका रहता, इसलिए। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद थोड़ा सा आ गए हैं मॉर्निंग में बाहर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर आने में, और देख सकते हैं सड़क एकदम खाली खाली सा रहता है मॉर्निंग में। और थोड़ा सा चाय पीने के बाद मैं चली ही आती हूँ, कभी कभी चाय पीने के पहले सो के उठती हूँ तभी आ जाती हूँ, पर आज बहुत ही अंधेरा था और इतना उजाला हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग के 5 बजे के बाद थोड़ा सा उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर एकदम खाली सा सन्नाटा सा है, और बहुत ही अच्छा लगता है 10-15 मिनट बस ऐसे ही अपने दुकान के आसपास जो सामने है वहीं टहल लेते हैं, इसके बाद से फिर चलते हैं पीछे, क्योंकि सारा कुछ इंतज़ाम हमने नाश्ता का भी कर दिया है, वहाँ सृष्टि अपना नाश्ता बना रही है।
तो कर लेती है, क्योंकि कभी कभी मुझे अगर ज़्यादा काम होता है तो वो नाश्ता वाला काम संभाल लेती है। और देखिए नाश्ता बना के खा के और तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और यहाँ मैं लग गई हूँ, वही नाश्ता का बर्तन है जो उसको धुलने के लिए, यहाँ पे आटा का डब्बा भी रख दिया है, खाली हो चुका है तो इसको भी धुल लेते हैं, क्योंकि एक एक करके सारे बर्तन जो बड़ा वाला है जिसमें सामान रखा जाता है हमेशा धुला नहीं जाता है, उसको भी धुल लेते हैं, क्योंकि जब वो खाली होता है तो उसको भी धुल लेना चाहिए। तो यहाँ पे नमक का डब्बा भी हमने खाली करके धुल लिया है, जो भी सब्जी वाला बास्केट है उसको भी धुल लिया है, बस ये वही आटा का डब्बा है तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। एक एक करके नवरात्रि आ रहा है, सभी त्यौहार आ रहे हैं, तो वैसे भी खाली होता है तो साफ़ होता ही है, पर नवरात्रि से पहले अच्छा है कि मेरा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मैं इसको भी धुल ले लूँगी। क्योंकि अब चलते हैं, दाल भी चढ़ा देते हैं, पर नहाने से पहले अगर किचन में कोई भी चीज़ चढ़ाती हूँ तो उसमें नमक नहीं डालती हूँ, नहाने के बाद ही नमक उसमें पड़ता है, क्योंकि बिना नहाए किचन का खाना पीना बनाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और यहाँ पे एक खटिया साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी इस पर खाना वाना खाते हैं तो गिरा भी देते हैं, तो इस पर मैं बैठती हूँ बाहर थोड़ा सा, शाम को सुबह भी कभी भी, तो यहाँ इसको साफ़ करने के बाद आ गए हैं। इसको अब माँज लेंगे आटा का डब्बा, क्योंकि सारा काम फिनिश हो चुका है, लास्ट में यही बचा था, तो इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद से नहाएंगे और दोपहर का लंच भी बनाना है अभी, क्योंकि सृष्टि नाश्ता बना के खा के और तीनों लोग चले गए थे, तो मैं अपना इसी सब करना था मुझे यही सब, तो मैंने कहा कि बना लोगी बेटा तो मुझे थोड़ा सा आराम हो जाएगा, क्योंकि नहा लेंगे तो फिर ये काम नहीं किया होता है, भीग जाते हैं। और यहाँ दरी था तो दरी भी मैंने धुल के अब डाल दिया है, यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये किचन का दरी है और इसको मैं आज धुलती हूँ तो कल बस बिछेगा, फिर एक दिन बाद इसको धुल देती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह सब कुछ इसी पे गिरता है तो गंदा हो जाता है। तो बस यही कुछ आज का रूटीन चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि आ रहा है तो एक एक करके सभी सामान अपना साफ़ करना ही पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे का जो थोड़ा सा कपड़ा है, नहा के गए हैं पढ़ने के लिए तो छोड़ के, तो उसको भी मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि मशीन अगर लगाने का मैं सोचूंगी तो ये इसी तरह से पड़ा रहेगा, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि लाइट कब कट जाए, तो बस इसको साफ़ कर लिए हैं। इसको भी डालने के बाद से बस यहाँ का जो देख सकते हैं पानी पानी सा हो गया है चारों तरफ से, तो इसको मैं साफ़ करूँगी पहले, और साफ़ करने के बाद तो फिर से नहा के अब यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ। और बस वही धनिया है, पंचफोरन है, इसको भूज लेते हैं, और भूजने के बाद इसमें थोड़ा सा खटाई जैसे अमचूर वगैरह डाल के पहले इसको पीस लेंगे, इसके बाद से प्याज लहसुन मिर्च भी डाल के इसमें पीस के और हल्दी नमक सब कुछ मिला के इसमें भर देंगे चिचिड़ा में। चिचिड़ा का मुझे बनाना है आज भरवा चिचिड़ा, तो दाल मेरा हो चुका है, देख सकते हैं दाल चढ़ा के मैं ड्रम को माँज रही थी, उतने तक मैं आ भी चुकी हूँ, दाल उस साइड मेरा हो भी रहा है, पर दाल में अभी ना तो नमक है, और उतारने के बाद नमक भी डालूँगी, तड़का भी लगेगा, तो यहाँ पहले इसका मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और बच्चे भी अभी कुछ टाइम में आ ही जाएंगे, दोनों बच्चे आ जाते हैं सनी सौरभ, और बस सृष्टि ही लेट में आती है थोड़ा, 2 बजे आती है वो, तो यहाँ पे बस इसको ऐसे थोड़ा सा मैंने कट नहीं लगाया था बीच में मसाला भरने के लिए, तो इसको कट लगा देते हैं, और इसके बाद से जो भी कुछ है इसको चढ़ा देंगे पकने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी आगे तक ले के चलिए, और आप लोग अगर जितना सपोर्ट करते हैं तो उससे हम लोगों का हौसला भी बढ़ता है, तो बस यही आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आगे तक ले के चलिए, आप लोगों से प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट है कि बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन, तो वीडियो का एंड भी कर लेते हैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए, फिर मिलेंगे अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा तो नहीं ठीक है। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।